हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉक का एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन टॉपिक देखने वाले हैं। और आज का हमारा प्रॉब्लम है, गिव द स्टेप फॉर कन्वर्जन ऑफ एनएफए इनटू डीएफए, कन्वर्ट द फॉलोइंग एनएफए इनटू इक्विवेलेंट डीएफए। और हमको स्टेट दी है Q0, Q1, Q2, Q3। इनपुट सिंबल दिए है हम लोगों को 01 डेल्टा, Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है, Q3 फाइनल स्टेट है, और हम लोगों को यहाँ पे स्टेट का टेबल दिया है। ठीक है, अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो जो हमको दिया हुआ टेबल, हमें दिया हुआ जो टेबल है वो हम एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी ये जो ऊपर वाला टेबल है ये एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड डीएफए इज। और हम लोगों को टपल्स पता है क्या क्या है हमारे टपल्स, तो एम डैश इक्वल टू हम लोग ले लेते थे क्यू, बराबर है, देन समेशन डैश, बराबर है, फिर डेल्टा डैश, देन क्यू जीरो डैश, और फिर एफ डैश। ये थे हमारे 5 टपल्स। ठीक है, देन क्यू डैश इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, और इक्वल टू हम लोगों को अभी स्टेट लिखनी है, यहाँ पे कितने स्टेट आने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जैसे हम लोगों के पास, अभी यहाँ पे हम लोग स्टेट देख लेते हैं, हम लोगों के पास यहाँ पे कितने स्टेट है, 4 स्टेट है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, फिर DT की जो लाइन थी हमारी, तो ये 1, 2, बराबर है ना, ऐसे वाली जो लाइन थी 1, 2, 4 और यहाँ पे 8। ठीक है, अब इसके एडिशन 8 और 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो 0 to 15 आपको नंबर लिखने हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब मुझे 0 लिखना है, तो 0 लिखना है तो हमको ये चारों स्टेट को 0 देना है, बराबर है। 1 लिखना है तो 1 को मैं ऑन कर दूंगी और बाकी मेरी स्टेट 0 रहने वाली है। 2 लिखना है तो 2 को ऑन करेंगे हम लोग, 3, ठीक है, 3 लिखना है तो 2 और 1 को ऑन कर देंगे, 4 लिखना है यानी 4 को ऑन करेंगे बाकी 0, 5 4 और 1 को ऑन करेंगे, 6 4 और 2 को ऑन कर देंगे, 7 4 2 एंड 1 0, 8 लिखना है तो 1 को 8 को ऑन करेंगे बाकी 0, 9 लिखना है यानी 8 और 1 को ऑन कर देंगे, 10 यानी 10 यानी 8 और 2, ठीक है, 11 8 2 एंड 1, 12 8 और 4 को ऑन करेंगे, 13 8 4 एंड 1, 14 8 4 2, 8 15 यानी 8 4 2 एंड 1। ठीक है, अब जहां पे 1 है उसको हम लोगों को ऑन करके हमारी स्टेट हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे एक भी 1 नहीं है तो यहाँ पे स्टेट आएंगी नल। ठीक है, देन 1 यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q2, यहाँ पे आना है Q2 Q3, बराबर है, यहाँ पे Q1 पे 1 है, यहाँ पे Q1 एंड Q3 पे 1 है, यहाँ पे Q1 Q2, यहाँ पे Q1 Q2 Q3, यहाँ पे Q0 Q3, Q0 Q2, यहाँ पे Q0 Q2 Q3, Q0 Q1, Q0 Q1 Q3, Q0 Q1 Q2, बराबर है, एंड Q0 Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, तो ये हो गया आपकी स्टेट, 16 स्टेट यहाँ पे आप लोगों की आई है। तो ये पूरी स्टेट अभी हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हम लोगों को ये जो स्टेट हमारी हमको मिली है यहाँ पे, ये पूरे स्टेट हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे स्टेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे, बराबर है, तो यहाँ पे नल की स्टेट पहले आ जाएंगी, फिर जो सिंगल वाले स्टेट है वो देख लेते हैं, Q3 Q2 Q1 एंड Q0। तो यहाँ पे Q0, बराबर है, देन Q1 Q2 एंड Q3, यानी मेरी जो सिंगल वाले स्टेट है वो पूरे यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, सिंगल वाले स्टेट मेरे आ चुके हैं यहाँ पे। देन उसके बाद अभी 2 स्टेट वाले, Q2 Q3, Q1 Q3, Q1 Q2,
बराबर है, क्यू जीरो क्यू थ्री, क्यू जीरो क्यू टू एंड क्यू जीरो क्यू वन। तो अभी हम लोग क्यू जीरो वाले लिख लेते हैं, यानी क्यू जीरो क्यू वन, देन उसके बाद क्यू जीरो क्यू टू, ठीक है, देन क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू थ्री एंड क्यू टू क्यू थ्री, ठीक है। देन उसके बाद अभी थ्री स्टेट वाले, थ्री स्टेट क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, क्यू जीरो क्यू टू क्यू थ्री, क्यू जीरो क्यू वन क्यू थ्री, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, ठीक है। तो ये वाले लिख लेते हैं, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, क्यू जीरो क्यू वन क्यू थ्री, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, ठीक है, क्यू जीरो क्यू टू क्यू थ्री, और लास्ट में हम लोगों की स्टेट आएंगी क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री। तो ऐसे हम लोगों, सॉरी यहाँ पे, ऐसे हम लोगों को 16 स्टेट आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक स्टेट बच गई है हमारी, यहाँ पे हम लोगों को क्यू जीरो क्यू थ्री लेनी है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके जो स्टेट्स है वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी हम लोगों को डेल्टा मैपिंग ड्रॉ करना है, यहाँ पे डेल्टा डैश मैपिंग इज एज फॉलोस, इज एज फॉलोस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले डेल्टा मैपिंग ड्रॉ करते वक्त जो हमारा ऊपर वाला टेबल है, यानी जो क्वेश्चन का टेबल है, वो एज इट इज हम लोग ड्रॉ कर लेते थे। तो यहाँ पे हम लोग इसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे समेशन और क्यू, यहाँ पे जीरो एंड वन, यहाँ पे हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है नल की स्टेट, हम लोग पहले लिख देंगे, यानी नल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नल, बराबर है, ये वाली स्टेट हम लोग पहले लिखेंगे। फिर हम लोगों को इस वाले एग्जांपल में क्यू थ्री फाइनल स्टेट दी है, ठीक है, क्यू थ्री हमारी फाइनल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यू जीरो, क्यू जीरो के वक्त हम लोगों के पास है क्यू जीरो एंड क्यू वन, और यहाँ पे हम लोगों को लिखना है क्यू जीरो, ठीक है। देन सेकेंड हम लोगों को दिया है यहाँ पे क्यू वन, क्यू वन में यहाँ पे चाहिए हमको क्यू टू, और यहाँ पे चाहिए क्यू वन, यहाँ पे दिया है आपको क्यू टू, क्यू टू के लिए हम लोगों के पास है क्यू थ्री, एंड यहाँ पे भी है क्यू थ्री, क्यू थ्री के लिए हम लोगों के पास है नल, और यहाँ पे है क्यू टू, बराबर है। अब यहाँ पे क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की स्टेट आ चुकी है, क्यू जीरो क्यू वन की स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्यू जीरो और क्यू वन की स्टेट ले लेते हैं। अब क्यू जीरो क्यू वन में जब मैंने जीरो दिया था, तो क्यू जीरो क्यू वन एंड क्यू टू, यानी तीनों का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, बराबर है, और यहाँ पे आपका आएगा क्यू जीरो क्यू वन। तो अभी क्यू जीरो क्यू वन की स्टेट हमारी आ चुकी है, हम लोगों को नई स्टेट एक मिल गई है क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, बराबर है, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, अभी तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी हम लोगों को मिल जाएगा क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री, और यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा क्यू जीरो क्यू वन क्यू थ्री, क्यू जीरो क्यू वन क्यू थ्री, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों को दो नई स्टेट मिली है, तो हम लोग पहले क्यू जीरो क्यू वन क्यू थ्री ले लेते हैं, क्यू जीरो क्यू वन क्यू थ्री, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू, ठीक है, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री में नल है, यहाँ पे क्यू जीरो क्यू वन क्यू थ्री, क्यू जीरो क्यू वन एंड क्यू टू, क्यू जीरो क्यू वन एंड क्यू टू, ठीक है। और लास्ट स्टेट हम लोगों की आ जाएंगी क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री, तो ये आ जाएंगे आपकी लास्ट स्टेट, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, यहाँ पे क्यू जीरो, यहाँ पे हमारी लास्ट स्टेट आएंगी क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, ठीक है, और यहाँ पे क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री। तो ये हो जाएगा हम लोगों का टेबल। तो हमारी स्टार्टिंग स्टेट क्या थी यहाँ पे क्वेश्चन में, क्यू जीरो, तो क्यू जीरो को हम लोगों को स्टार्टिंग स्टेट दिखानी है, एंड क्यू थ्री हमारी फाइनल स्टेट थ्री, तो यहाँ पे क्यू थ्री, और क्यू थ्री कहाँ पे आया हम लोगों का,
यहाँ पे और ये वाली स्टेट, यानी ये पूरे आपके फाइनल स्टेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है फाइनल स्टेट, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखना है हम लोगों का भी, Q0- इज द इनिशियल स्टेट, Q0 इज द इनिशियल स्टेट, बराबर है। Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है, और F डैश इक्वल टू हम लोगों के पास क्या क्या आया है F डैश में, Q0 फर्स्ट स्टेट आई है हमारी, ठीक है। सेकेंड हम लोगों के पास आई है Q0, Q1, Q3, ठीक है। और लास्ट में हम लोगों को मिला है Q0, Q1, Q2 एंड Q3। तो ये हो गए हमारी फाइनल स्टेट। इस तरीके से हम लोग NFA to DFA कन्वर्जन के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं।